हे गाइस, दिस इज कुलदीप एंड यू वाचिंग यूपीएससी लाइब्रेरी। सो आज के सिलेक्शन में हम बात करेंगे शिंजो अबे की, जो उन्होंने हाल ही में ही जापान के प्राइम मिनिस्टर की पद से रिजाइन कर दिया है ड्यू टू सम हेल्थ इशू। एंड इस सिलेक्शन में और बात करें इंडिया जापान के रिलेशन के बारे में। सो ये बीबीसी न्यूज़ का कटआउट है। सो उसमें बोला है कि शिंजो अबे जो जापान के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने रिजाइन कर दिया फॉर सम हेल्थ। सो ये नरेंद्र मोदी जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्विटर पर शिंजो अबे की हेल्थ के लिए प्रे किया है और उन्होंने ये भी बोला है कि जो उनके कार्यकाल में जो इंडिया जापान के जो रिलेशनशिप में जो काफ़ी अच्छी चले थे, डीपर थे और स्ट्रांग जो हुए थे, सो उनके लिए उनको धन्यवाद भी बोला है। अगर आपने यूपीएससी लाइब्रेरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द यूपीएससी लाइब्रेरी। एंड आप यूपीएससी लाइब्रेरी को टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो यूपीएससी लाइब्रेरी को टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो इस मैप में देखिए, सो इस मैप में ये है इंडिया। सो इंडिया के अगर हम ईस्ट में जाएंगे, ईस्ट में जाएंगे उसको क्रॉस करते हैं तो ये आता है चाइना, और चाइना के ईस्ट में आता है ताइवान, और ताइवान के ईस्ट में जाएंगे तो ईस्ट चाइना सी पड़ता है। सो ईस्ट चाइना के नॉर्थ में आता है ये जापान। सो जापान और इंडिया के ये यहाँ से, सो अगर इंडिया के इंडिया से अगर हम मैरिटाइम रूट से जाएंगे, सी रूट से जाएंगे तो यहाँ से होते हुए यहाँ से जाएंगे और यहाँ से सी और साउथ चाइना सी होते हुए, सो चाहे साउथ चाइना सी क्रॉस करते हुए ईस्ट चाइना सी आता है। सो यहाँ से फिर आता है जापान। सो और ये है जापान। सो जापान के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। सो जापान जो कि आइलैंड कंट्री है जो कि ईस्ट एशिया में आती है। सो जापान एक आइलैंड कंट्री है और उसको आर्किपेलगो कंट्री भी बोलते हैं, बिकॉज आर्किपेलगो उन कंट्रीज़ को बोलते हैं जो काफ़ी सारे आइलैंड से मिलकर बने होते हैं, और जापान ऑलरेडी काफ़ी सारे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, उसको आइलैंड कंट्री बोलते हैं, इसलिए उसको एक आर्किपेलगो भी बोला जाता है। सो प्राइम मिनिस्टर जो कि शिंजो अबे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। देन उसकी कैपिटल टोक्यो है, करेंसी उसकी जापानीज येन है, पॉपुलेशन 12.65 करोड़, जो कि 2018 के डेटा के हिसाब से वर्ल्ड बैंक के। सो अब 2020 चल रहा तो ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा होगी होगी। देन उसकी नेशनल लैंग्वेज जापानीज है। सो ये इसकी नेशनल, सो अगर जापान की जीडीपी देखा जाए तो जापान की जीडीपी वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी है, जो कि $5.4 trillion की है। सो वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट है यूएसए की, फर्स्ट नंबर पर उसकी $22 trillion की जीडीपी है। देन उसके बाद चाइना की, जो कि सेकेंड नंबर पर $15 trillion की जीडीपी है, ये 2020 के डेटा के हिसाब से है। देन थर्ड नंबर पर जापान, फोर्थ पर है जर्मनी 3.98 ट्रिलियन की। देन उसके बाद फिफ्थ पर अपनी इंडिया, जो कि 3.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। सो टॉप फाइव में अपना इंडिया जाता है, और टॉप फाइव में देखा जाए तो और टॉप फाइव में तीन एशिया की कंट्री जाती हैं, जो कि एक इंडिया है, फिर जापान, देन चीन। सो टॉप फाइव में टॉप फाइव में एशिया की पाँच कंट्री, एशिया की तीन कंट्रियाँ। सो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। सो शिंजो अबे जो कि एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं, सो उनके बिकॉज उनके ग्रैंडफादर जो है नोबू सुके किसी, वो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 1957 से लेकर 60 तक, और उनके जो पिताजी हैं फादर, उनके जो पिताजी शिंतारो अबे, वो ऑलरेडी फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं 1982 से लेकर 86 तक। सो अबे जो कि जापान के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बने हैं बाई कंजर्वेटिव डे। सो कंजर्व लगातार जो देखा जाए, लगातार उनके अगर दिन के दिन और डेज को काउंट किया जाए तो वो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं। सो और उनको उन्होंने ओवरटेकिंग द रिकॉर्ड, जो उनका जो रिकॉर्ड, उन्होंने किन का रिकॉर्ड तोड़ा है, रिकॉर्ड है इसाकू साडो, जो कि उनके ग्रेट अंकल हैं। सो ऑलरेडी बिकॉज उन्होंने 2798 डेज का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। सो जो कि 1964 से लेकर 72 तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे जापान में। सो अबे हैड फर्स्ट बिकम द कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर इन 2006 में, 2006 में सबसे पहले बने थे, बट उन्हें 2007 में रिजाइन कर दिया ड्यू टू इलनेस, तब भी उन्होंने कुछ हेल्थ इशूज़ की वजह से रिजाइन कर दिया। फिर बाद में इस करंट दूसरा उनका हुआ था 2012 में, तो 2012 में फिर दोबारा वो जापान के प्राइम मिनिस्टर बने। सो उनके कार्यकाल के दौरान इंडिया जापान के रिलेशन या उनके टाइज कैसे रहे। सो इन द फर्स्ट फन स्टिंट ऑफ 2006 और 2007 के दौरान उनके टाइम में अबे विजिटेड इंडिया। सो अबे इंडिया को विजिट करते हैं और पार्लियामेंट अपने इंडिया की पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं। सो और ड्यूरिंग द सेकेंड विजिट और सेकेंड विजिट के दौरान ही विजिट इंडिया थ्राइस। सो वो अपनी सेकेंड विजिट, सॉरी अपने सेकेंड कार्यकाल के दौरान वो इंडिया को तीन टाइम विजिट करते हैं,
लाइक दो उनमें से वो 2014 जनवरी 2014 देन दिसंबर 2015 देन सेप्टेम्बर 2017 सो इन तीन टाइम में वो इंडिया को तीन टाइम विजिट करते हैं। सो द मोस्ट विजिट बाई एनी जापनीज पीएम, सो और ये सबसे जापनीज पीएम की सबसे ज़्यादा विजिट है वो किसी भी। देन ही वॉज द फर्स्ट जापनीज पीएम टू बी चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे एट द परेड ऑफ 2014 में जो रिपब्लिक परेड हुई थी उसमें जापनीज पीएम को हमने एज ए चीफ गेस्ट के मौके पर बुलाया, सो एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था। और अगस्त 2007 में वैन अबे विजिटेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने एक टर्म उन्होंने डिलीवर की थी जो आज के टाइम में काफ़ी जुगे, जो उन्होंने दो सीज को इंक्लूड किया था, जो पहले एशिया जो पैसिफिक सी और इंडियन सी को उनको एक साथ बोल के उन्होंने टर्म किया था इंडो पैसिफिक को, जो कि लाइंग द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट इंडो पैसिफिक। सो इंडो पैसिफिक को इंडियन ओशन प्लस पैसिफिक ओशन को एक साथ जोड़ के उन्होंने इंडो पैसिफिक टर्म को यूज़ किया पहले, जो कि पहले एशिया पैसिफिक बोली जाती। सो दिस कॉन्सेप्ट हैज़ नाउ बिकेम मेन स्ट्रीम एंड वन ऑफ द मेन पिलर ऑफ द इंडिया जापान टाइज। सो इस वजह से ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया में या उसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये मेन पिलर है इंडिया जापान के टाइज में। देन इंडिया चाइना के बीच में जो स्टैंड ऑफ हुआ था उसमें भी जापान का काफ़ी अच्छा रोल रहा और उसने इंडिया को ही सपोर्ट किया। सो सिंस 2013 के बाद में इंडिया चाइना के बीच में काफ़ी सारे स्टैंड ऑफ हैं, लाइक अप्रैल 2013 में हुआ, देन सेप्टेम्बर 2014 देन अगस्त 2017 में हुआ है। सो इन सब और अभी जो हाल फिलहाल मई 2020 में जो गलवान वैली का, सो इन सब स्टैंड ऑफ में जापान ने इंडिया का ही साथ, जापान हैज स्टूड विद इंडिया एंड थ्रू ईच ऑफ देम। सो और इन सभी स्टैंड ऑफ में इंडिया के साथ खड़ा। और जब डोकलाम का जो क्राइसिस हुआ था और जो करंट अभी चल रहा है, सो इसमें अभी जापान के प्राइम मिनिस्टर ने और जापान ने और जो भी स्टेटमेंट दिया वो सब चाइना के अगेंस्ट में दिया और बोला है कि चाइना को चेंजिंग द स्टेटस क्यू, जो चाइना को स्टेटस क्यू चेंज करना पड़ेगा। और डोकलाम में तो यहाँ तक बोल दिया कि हम अपनी मिलिट्री भेजने को तैयार हैं। सो जो डोकलाम क्राइसिस जो हुआ था, देन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं कि इंडिया जापान का क्या कैसे इनमें दोनों के बीच में कितना ट्रेड और इन्वेस्टमेंट हुआ था। सो जापान हैज़ बीन एक्सटेंडिंग बायलेटरल लोन एंड ग्रांट असिस्टेंट टू इंडिया सिंस 1958। सो जापान 1958 से ही इंडिया को लोन और ग्रांट एक्सेस 1958 से ही लोन और ये असिस्टेंट ग्रांट प्रोवाइड करता रहा है। और इस और जो जापान जो है इंडिया का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट बायलेटरल डोनर है इंडिया का। सो ऑलरेडी जापान ने $90 बिलियन जो कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्री कॉरिडोर में इन्वेस्ट कर रखा है, जो कि 1483 किलोमीटर लंबा है और जो इसमें हाई स्पीड रेल भी है और रोड लाइन भी इसमें इंक्लूडेड। सो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्री कॉरिडोर याद रखना, उसमें जापान ने $90 बिलियन तक इन्वेस्ट भी किया है। सो विच विल सी सेटिंग अप न्यू, इसकी वजह से नई सिटीज क्रिएट होंगे और उसमें इंडस्ट्रियल पार्क भी क्रिएट होगा, उसमें पोर्ट्स भी हैं, एयरपोर्ट्स भी हैं। सो ये सब चीज़ें याद रखना, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो कि जापान की इन्वेस्टमेंट है। देन इट ऑल्सो बैकिंग द अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन। सो अहमदाबाद मुंबई के बीच में जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसमें भी जापान की इन्वेस्टमेंट है और उनमें से जो फर्स्ट ट्रांच है जो कि 5500 करोड़ का, वो जापान ने ऑलरेडी रिलीज कर दिया। देन इसमें से एक और है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर वेस्टर्न, जिसको वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बोला जाता है, उस प्रोजेक्ट में भी जापान ने हेल्प की और उसमें जापान की इन्वेस्टमेंट है जो कि प्रोजेक्ट लगभग 50,000 करोड़ का है। सो इसमें जापानी असिस्टेंट टू हैज़ बीन अबाउट 38,000 करोड़। सो 50,000 करोड़ में से 38,000 करोड़ तो जापान के ही हैं। सो इसमें भी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो को बोल, एक ईस्टर्न है और एक वेस्टर्न। सो याद रखना वेस्टर्न वाले में ही जापान की इन्वेस्टमेंट है और ईस्टर्न वाला जो डेडिकेटेड फ्लाइट जो कॉरिडोर है उसमें वर्ल्ड बैंक की इन्वेस्टमेंट है। सो वेस्टर्न वाला जापान है और ईस्टर्न वाला वर्ल्ड बैंक है। देन 2017-18 के फाइनेंशियल ईयर में इंडिया जापान का बायलेटरल ट्रेड जो कि 15 से लेकर 16 बिलियन डॉलर तक पहुँच होगा था, जो ये 2017-18 के बीच का, जो 2019-20 में तो और ज़्यादा हुआ। सो इसमें प्राइमरली जो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया जापान को उसमें मेनली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, देन केमिकल्स हैं, देन एलिमेंट्स हैं। बट इंडिया ने जो प्राइमरी जो इंपोर्ट किया जापान से वो मेनली मशीनरी हैं, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट हैं, आयरन एंड स्टील हैं, देन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, जो ये इंडिया इंपोर्ट करता है और वो चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। सो और जापान की जो FDI जो इंडिया में आती है वो मेनली ऑटोमोबाइल सेक्टर में आती है और देन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, टेली कम्युनिकेशन और केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स की इस सेक्टर में जापानीज की FDI आती है। और सबसे इसका मेन एग्जाम्पल है सुजुकी, मारुति सुजुकी जो कि लार्जेस्ट इंडिया का कार मैन्युफैक्चरर है इंडिया में।
सो इसमें मेनली जापानीज की एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आती है जापान से। देन डिफेंस के सेक्टर में देखा जाए तो इंडिया जापान के बीच में क्या कैसा रोल है। सो इंडिया और जापान शेयर मिनिस्ट्रियल 2+2 डायलॉग। सो इंडिया जापान के साथ 2+2 डायलॉग शेयर करता है सो जो कि डिफेंस और फॉरेन सेक्रेटरी बीच में जो होता है। सो ये 2+2 डायलॉग इंडिया जापान के साथ भी शेयर करता है, देन यूएसए के साथ भी शेयर करता है और ऑस्ट्रेलिया के साथ। सो ये याद रखना है इंडिया 3 कंट्रीज के साथ 2+2 डायलॉग शेयर करता है। देन जापान इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्टी इन द इंडो पैसिफिक रीजन बिकॉज इंडिया जापान के साथ कुछ एक्सरसाइज भी करता है लाइक धर्मागार्जन हो गई, देन मालाबार एक्सरसाइज हो गई। बिकॉज मालाबार एक्सरसाइज में तो इंडिया यूएस और जापान ये तीन कंट्रीज होती हैं। इन सो मालाबार एक्सरसाइज इन तीन कंट्रियों के बीच में होता है। बट इस एक्सरसाइज में पहले ऑस्ट्रेलिया भी था बट चाइना के प्रेशर में आकर या चाइना से इन्फ्लुएंस होकर ऑस्ट्रेलिया ने इस एक्सरसाइज से क्विट कर दिया। बट अब ऑस्ट्रेलिया दोबारा ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट किया बट अभी उसकी रिक्वेस्ट होल्ड पर है। सो उसके अलावा शिनयू मैत्री एक्सरसाइज है 18, उसमें भी इंडिया जापान है। देन कोप इंडिया जो कि टू नेशंस के बीच में वो भी है। सो इन सब एक्सरसाइज में इंडिया जापान की मिलिट्री वर्क करती है। बाद बोथ कंट्रीज हैवली राइवलरी और चाइना एंड जो बिकॉज चाइना और बिकॉज इंडिया और जापान दोनों का एक राइवली कंट्री जो सेम कंट्री है चाइना। सो इन चाइना को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन को दो कंट्रीज फॉर्म करते उस दो इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया और जापान ने ऑस्ट्रेलिया और यूएस के साथ क्वाड ग्रुप को फॉर्म किया जो कि इसमें मेनली इसका फोकस है चाइना को काउंटर करने के लिए। सो ये इन दोनों के बीच में एक ये मेन पॉइंट है। देन जापान विल सप्लाई न्यूक्लियर रिएक्टर देन फ्यूल देन एक्ट टेक्नोलॉजी टू इंडिया। सो जापान इंडिया को न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल ये सब चाहिए बिकॉज और इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया इज नॉट अ साइग्नेटरी टू अ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जिसको एनपीटी भी बोलते हैं। सो इंडिया इस ट्रीटी का साइग्नेटरी नहीं है। सो एंड इज द ओनली साइग्नेटरी टू सीमी एग्जम्पशन फ्रॉम इंडिया। सो इंडिया ओनली ऐसा कंट्री है जो नॉन साइग्नेटरी होने के बावजूद भी जापान से ए न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल बाकी चीज़ें ये वो रिसीव कर रहा है। सो इसने बिकॉज जापान ने अपने रूल में कुछ चेंज किया था इंडिया को ये सब न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए। सो ये इंडिया और जापान के बीच में डिफेंस सेक्टर में थोड़ा ये है। देन इसके बाद इंडिया इसकी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी और जापान की जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्टडी है दोनों थोड़ी सिमिलर हैं। बोथ कंट्रीज आर कीन एक्सटेंड देयर कोऑपरेशन टू द लार्जर इंडो पैसिफिक रीजन इंक्लूडिंग द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। इन दोनों पॉलिसीज के जरिए दोनों कंट्रीज अपने इंटरेस्ट शेयर करती हैं। इस वजह से इंडिया ने जापान को अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट में अलाउड किया है इन्वेस्ट करने के लिए। बिकॉज जो कि नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया वो नो गो एरिया है बाकी अदर कंट्रीज़ के लिए। इंडिया ने सिर्फ जापान को ही उस एरिया में इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ किया है। देन इंडिया जापान ऑल्सो टेम्पिंग द सेटअप डीजल पावर प्लांट इन अंडमान निकोबार जो कि अंडमान निकोबार में भी इंडिया जापान एक डीजल पावर प्लांट सेटअप करेंगे। बिकॉज और इसमें एक मेन पॉइंट ये है कि बिकॉज न्यू दिल्ली ने इस एरिया में भी किसी और कंट्रीज़ को इन्वेस्ट करने से मना किया बट जापान को अलाउ किया। इससे देखा जाएगा इंडिया और जापान के बीच में कितना डीपर टाइज हैं। देन जापानीज इंटरेस्ट इन इंडिया इज इंक्रीजिंग ड्यू टू वैरायटी ऑफ रीजन इंक्लूडिंग इंडिया से एक तो इंडिया बिकॉज इंडिया एक लार्ज एंड ग्रोइंग मार्केट है। इस वजह से जापान थोड़ा अट्रैक्ट होता है जापान इंडिया के मार्केट को देखकर। देन इसके रिसोर्स है ना स्पेशली ह्यूमन रिसोर्स इंडिया के जो ह्यूमन रिसोर्सेज है इस वजह से जापान इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होता है। बट इंडिया जापान के बीच में इन सब इतने अच्छे अच्छे चीज़ होने के बावजूद भी कुछ कंसर्न भी हैं जो इन कंसर्न को इग्नोर नहीं कर सकता। लाइक इंडिया और जापान के बीच में जो ट्रेड है वो $15 बिलियन तक है बट वही ट्रेड को जब जापान और चाइना के बीच में देखा जाता है वो $300 बिलियन तक है। जो ये ट्रेड इंडिया जापान का ट्रेड और इंडिया जापान और चाइना का ट्रेड का तो कहीं भी एक्सटेंड नहीं करता। काफ़ी कम है। इस एक चीज़ ये भी है और दूसरी चीज़ ये कि जो इंडिया और चाइना का जो ट्रेड है 2017 डेटा के अकॉर्डिंग वो $84 बिलियन बट वही ट्रेड जब इंडिया और जापान के बीच में देखा जाए वो $15। इन दोनों कंट्री का ट्रेड चाइना के साथ तो काफ़ी ज़्यादा होता है बट आपस में जब करते हैं तो काफ़ी कम होता है। एक ये मेन कंसर्न है
बिकॉज अभी इतना ज्यादा ट्रेड होने के बावजूद इतना ट्रेड है बिकॉज जो पॉलिटिकल टेंशन है दोनों कंट्रीज के बीच में, लाइक इंडिया चाइना हो गया और जापान चाइना हो गया, इन दोनों कंट्रीज आपस में काफी ज्यादा पॉलिटिकल टेंशन, इन दोनों इन सब चीजों के बावजूद भी चाइना का इन दोनों कंट्री के साथ ट्रेड इतना ज्यादा है। सो एक ये मेन कंसर्न वो लोग राइज करते हैं। सेम इन डिफेंस साइड में, डिफेंस साइड में ऐसा है कि टू साइड्स हैव आल्सो बीन अनेबल टू कोलैबोरेट इन डिफेंस सेक्टर इन स्पाइट ऑफ ह्यूज पोटेंशियल। इतना ज्यादा पोटेंशियल होने के बावजूद भी डिफेंस सेक्टर में इतनी अच्छी तरीके से वो हम दोनों कंट्रीज कोलैबोरेट नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा इंडिया ऑल्सो मेंबर है ब्रिक्स ग्रुप का मेंबर है जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, और इस सब के बावजूद भी इंडिया ने चाइना के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है उसको ज्वाइन नहीं किया। बट ऑल्सो इंडिया मेंबर AIIB जो कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। सो इंडिया की जो पॉलिसीज है ना, बैलेंसिंग पॉलिसीज, कि इस ग्रुप में भी इंडिया और इस ग्रुप में भी इंडिया, और दोनों को बैलेंस करके चलना है। सो इंडिया हैज़ डू अ बैलेंसिंग बिटवीन क्वाड एंड ब्रिक्स, बिकॉज इंडिया क्वाड का भी मेंबर है और ब्रिक्स का मेंबर है, और दोनों ग्रुप के जो मेन एम है वो अपोजिट है। एक ग्रुप क्वाड ग्रुप का है कि काउंटर करना है चाइना को, और ब्रिक्स का है कि, और ब्रिक्स में इंडिया चाइना के साथ ही कुछ चाइना के साथ उस चीज़ों को लेके चल रहा है। सो दोनों ग्रुप के जो इंटरेस्ट हैं वो कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। सो इंडिया की जो पॉलिसी है कि बैलेंसिंग करके चलना, वो थोड़ा डाउटिंग में। सो पीएम मोदी की जापान विजिट की जो थी 2016 में जापान विजिट की थी, उसमें उस विजिट में इंडिया जापान ने एशिया अफ्रीका को कनेक्ट करने की बात की। सो इस वजह से इंडिया जापान ने अदर कंट्रीज के साथ उनके साथ मिले, लाइक अफ्रीका की जो कंट्री है, सो अफ्रीका में ट्रेड पॉसिबिलिटीज़ को और इंक्रीज करने के लिए, इन सब चीज़ करने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट का रिलीज़ किया। सो 2017 में अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की जो मीटिंग हुई थी इंडिया में, सो उस मीटिंग के दौरान इस विजन डॉक्यूमेंट को रिलीज़ किया जिसको एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर बोलते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग और यह मो इस रीजन में एक मास्टर स्ट्रोक था जो कि अपरेंटली चाइनाज के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करना। सो इसका जो मेन एम है कि जो अफ्रीका है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, देन उसकी डिजिटल कनेक्टिविटी करना, अफ्रीका के डिजिटल कनेक्टिविटी करना किसके साथ, इंडो एंड जापान कोलैबोरेशन के साथ। सो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कॉन्टिनेंट कनेक्टिविटी इंडिया के साथ कनेक्ट करना, देन जापान के साथ कनेक्ट करना, और बाकी अदर कंट्रीज के जो एशिया की कंट्री हैं। सो बट इंडिया डज नॉट हैव पॉकेट्स डीप इनफ टू ऑफर फ्रीबीज टू अफ्रीका। सो बट इसमें एक मेन ड्रॉबैक ये था कि इंडिया के पास चाइना की तरह एक लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं थी। सो चाइना की तरह इंडिया अफ्रीका में इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था। सो एक मेन ड्रॉबैक ये था। सो चाइना जो कि रैपिडली एक्सपेंडिंग कर रहा था अफ्रीका में, सो इस चीज़ वजह से सो इंडिया एंड जापान डू नॉट हैव द लग्जरी ऑफ टाइम। सो अगर इस चीज़ को थोड़ा और जल्दी करना पड़ेगा बिकॉज चाइना के, इंडिया और जापान के पास इतना कम, इतना ज़्यादा टाइम नहीं, बिकॉज चाइना बहुत काफ़ी तेज़ी से अफ्रीका में अपने पैर पसार रहा है, बिकॉज उसके साथ काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, और वहाँ 5G टेक्नोलॉजी भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ला रहा है। सो इस वजह से इंडिया जापान को इन सब चीज़ों में जल्दी काम करना पड़ेगा। सो शिंजो अबे की रिज़ाइन करने के बाद काफ़ी कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट और पीएम ने उनकी हेल्थ के लिए प्रे किया और जल्दी ठीक होने की उनसे बात की। सो इस चीज़ को इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो यहाँ से जापान और इंडिया के रिलेशन जो इंडिया जापान की जो रिलेशन है, ये टाइज हैं, कुछ चेंज देखने को मिलेगा, बिकॉज इट डिपेंड ऑन हिज सक्सेस, जो कि अब जो भी पीएम आएगा उनके ऊपर डिपेंड होगा, बिकॉज जो लोग इस रेस में हैं वो मे बी काफ़ी एग्रेसिव रोल प्ले कर सकते हैं चाइना के खिलाफ, या जापान की ये जो फॉरेन पॉलिसीज में उसमें भी वो काफ़ी एग्रेसिव रोल प्ले कर सकते हैं। सो और जापान जो अपने ही जो डिफेंस कैपेबिलिटीज को और इंक्रीज कर सकता है भी फिलहाल, और बिकॉज फिलहाल के लिए जापान अपनी डिफेंस के लिए USA पर डिपेंड है, और अपने और आने वाले टाइम पर जो आने वाले सक्सेसर जो हैं चाइना के साथ कैसा रोल प्ले करेगा, ये सब चीज़ों को देखना होगा इंडिया को। सो ऑल डिपेंड्स ऑन फ्यूचर, टिल नाउ वेट एंड वॉच। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपने UPSC लाइब्रेरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द UPSC लाइब्रेरी एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।